नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल डिस्कवर होम में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे वो 7 टिप्स के मोगरा पर आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पा सकते हैं। फ्रेंड्स, तो इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, तो इसी सब चीज़ पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, बताते हैं आपको कि वो क्या हैं टिप्स। तो सबसे पहला जो हमारा टिप्स है मोगरा की केयर को लेके, वो फ्रेंड्स ये है कि सबसे पहले तो आपको मोगरा प्लांट को ऐसी जगह रखना है जहाँ से इसको 6 से 8 घंटे की धूप मिले। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि फ्रेंड्स आप इसको फुल सनलाइट पर रखिए। देखिए, आप मेरी क्रिपर को देख पा रहे हो, ये कितनी ऊपर तक जा रही है फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रो कर रही है। तो इसको फुल सनलाइट दीजिए, इसको धूप बहुत ही ज़्यादा पसंद है फ्रेंड्स, तो इसको पूरा आप फुल सनलाइट में रखिए। सबसे पहला टिप ये है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ग्रो होगी इसकी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे इस पर फूल आएंगे फ्रेंड्स। तो ये है नंबर 1 टिप। और बात कर लेते हैं नंबर 2 जो टिप्स है हमारा, वो है फ्रेंड्स आपको इसके लिए प्लास्टिक का गमला नहीं लेना है। आपको जब भी आप इस प्लांट को लगाएं तो इसको मिट्टी के गमले में लगाएं, या फिर सीमेंट के गमले में भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, वो भी ज़्यादा अच्छे होते हैं इसके लिए। क्योंकि प्लास्टिक का गमला जो होता है वो धूप के कॉन्टेक्ट में आने से हीट जनरेट करता है, तो इससे इसकी जो रूट है वो डैमेज हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, मर जाएगा। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी प्लास्टिक का गमला यूज़ नहीं करना है, इसके लिए मिट्टी का गमला ही लीजिए फ्रेंड्स। आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स मेरे फूलों को, देखिए यहाँ इनकी कितनी अच्छी ग्रो चल रही है, आप देख पा रहे हो कितना ऊपर तक जा रहा है फ्रेंड्स, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी प्लांट है। और मेरे पास ये बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको शो करा रही हूँ कि इनमें बर्डिंग भी हो रही है, फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों का इसमें ध्यान रखिए फ्रेंड्स। हमारा जो नंबर 3 टिप्स है वो है मिट्टी को लेकर। तो फ्रेंड्स, मोगरा प्लांट जो होता है वो हैवी फीडर प्लांट है, तो इसके लिए जो मिट्टी तैयार करनी होती है तो उसमें हमें 50% गोबर की सड़ी हुई खाद लेनी है, और इसके साथ ही मिट्टी तैयार करने के लिए हमें 15% गार्डन सॉयल, 15% सैंड, और 15% कोकोपीट, और 5% राइसिस धान के छिलके लेने हैं, और 50% गोबर की खाद लेनी है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से भुरभुरी मिट्टी तैयार करनी है जो कि इस प्लांट को बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बनाएगी, और बहुत ही ज़्यादा इसकी जो ग्रोथ है आप देख पा रहे हो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो रही है। तो इसके लिए हमें इस तरह से इसकी मिट्टी तैयार करनी है। तो बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 4 की। तो इसके लिए बात करूँगी मैं कि फ्रेंड्स आपको अच्छी फ्लावरिंग के लिए जो करना है, तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो यहाँ कलियाँ खिलने के बाद जब कलियाँ गिर जाती हैं तो उसके बाद आपको लाइट प्रूनिंग करनी है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये कलियाँ खिल चुकी हैं, मैं आपको शो करा रही हूँ, देखिए फ्रेंड्स, हाँ इस तरह से देखिए ये सूख चुकी हैं। तो हमें करना क्या होगा, हमें इन कलियों को यहाँ से हटा देना है, इन फ्लावर को उन पर से हटा देना है, इनकी लाइट प्रूनिंग करनी है, और पूरा थोड़ा 1 इंच नीचे तक बिल्कुल तोड़ देना है वहाँ से, क्योंकि नई नई ब्रांचेस आएंगी यहाँ से, और फिर अच्छे अच्छे फूल भी उगेंगे यहाँ। तो फ्रेंड्स, प्रूनिंग हमेशा करते रहें फ्लावर के खिलने के बाद, इससे क्या होगा कि न्यू शूट्स निकल कर आएंगी, और आप तो जानते ही हैं फ्रेंड्स मोगरा प्लांट की जो न्यू शूट्स होती हैं उन पर ही फ्लावरिंग होती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और इसी तरह से हम बात कर लेते हैं अपने टिप्स नंबर 5 की। तो वो है, देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हैं यहाँ। तो इसके साथ ही मैं टिप नंबर 5 आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपको 25 से 30 दिन में गोबर की खाद डालिए इसमें, और इसकी जो टॉप सॉयल होती है उसको निकाल करके गोबर की खाद ऐड करने से ऊपर से, तो इसमें बहुत ज़्यादा इसको न्यूट्रिएंट मिलते हैं, और कंटिन्यू इसमें हेल्दी ग्रोइंग करता रहेगा ये, और बहुत ही अच्छे अच्छे फूल देगा, बर्ड होंगी। जैसा कि आप देख रहे हो मेरा जो प्लांट है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो बात कर लेते हैं अपने
छठे पॉइंट की, तो हमारा जो टिप नंबर 6 है वो है पानी को लेकर, कि आपको पानी, मिट्टी हमेशा इसकी जो है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि ऊपर की जो टॉप सॉइल है वो सूख जाए। तो इसको हमेशा मिट्टी को मॉइस्ट रखिए, अच्छे से पानी दीजिए। इसको पानी बहुत ज़्यादा पसंद है तो अच्छे से इसको सुबह शाम आप दोनों टाइम पानी दीजिए, तो ये अच्छे से ग्रो होगा। और इसके साथ ही हम बात कर ले रहे हैं फ्रेंड्स, आपको 15 से 20 दिन में जो सेल होती है उसकी हर की गुड़ाई कर लेनी है एक ही। यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो फ्रेंड्स, फॉलो करते हैं इन टिप्स को, तो आप देखेंगे कि आपके मोगरा प्लांट में 100% अच्छी ग्रोथ होगी, फ्लावरिंग भी करेगा ये। तो फ्रेंड्स, मैं डेडिकेट कर रही हूँ अपने इस फेवरेट से प्लांट के लिए ये सॉन्ग, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका है बेला महका रे महका आधी रात को, मन क्यों महका रे महका आधी रात को, बेला महका है बेला महका रे महका आधी रात को। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो कितना सुंदर फूल खिले हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, तो इनकी तो खूबसूरती देखते ही बनती है। तो फ्रेंड्स, मैं तो हो जाती हूँ इन पर एकदम से फ़िदा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।